स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम फैंटेसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोमिल्ला विक्टोरियंस और रंगपुर रेडर्स के बीच जो ये आने वाले बांग्लादेशी प्रीमियर लीग का सेकंड क्वालिफायर ये मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों इसकी हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो हम आप तक पहुँचा देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो टीम मैं आपको शो करते करते न्यूज़ भी बता दूंगा तो आप ज़रूर जो है वीडियो को ध्यान से सुने भी। दोस्तों विकेट कीपर में मोहम्मद मिथुन अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लिटन दास जॉस बटलर दोनों ही ऑप्शन हैं। आप अगर जाना चाहते हैं तो दो तीनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन पिछले मैच तीनों के बहुत ख़राब गए थे तो आप जिसको प्रिफर करते हैं उनको रख सकते हैं, लेकिन हमारे ऑब्वियस पिक रहेंगे मोहम्मद मिथुन। आप अगर जाना चाहते हैं तो क्रेडिट बचाने के लिए लिटन दास के साथ भी जा सकते हैं। बैट्समैन की बात करते हैं तो क्रिस गेल तमीम इकबाल दोनों ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ओपन करेंगे। और ब्रेंडन मैकलम को पिछले मैच में ज़्यादा मौका मिला नहीं है इस सीज़न, तो आप इनको ना लें और फॉर्म में भी नहीं है। और दोस्तों इमरुल कैस और मार्लन सैम्यूल्स ए चार हमारे बैट्समैन रहेंगे। इमरुल कैस हमने फर्स्ट पिक नहीं है हमारे, लेकिन हो सकता है अच्छा खेल जाए तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको ऑलराउंडर में ऑप्शन दे दूंगा, तो आप उनके साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन जो रहेंगे वो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। जॉनसन चार्ल्स पिछले मैच में खेले थे तो इनको आप ले सकते हैं, और ज़ियाउर रहमान ऑप्शन है, ये इनको मौका नहीं मिला था। शारीर नफीस भी नहीं खेल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ बैट्समैन में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन ना ढूँढें। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो रवि बोपारा ड्वेन ब्रावो जो कि पिछले मैच में आए थे इनको हमने यहाँ रखा है। और दोस्तों आपके पास यहाँ ऑप्शन रहेगा, आप अगर जो है वहाँ इमरुल का इसको ड्रॉप करते हैं तो आप यहाँ पे नाहिदुल इस्लाम के साथ जा सकते हैं, ये एक अच्छे पिक रहेंगे। उनके जगह आप अगर एक ऑलराउंडर खिलाते हैं तो ज़रूर जो है इनके साथ जा सकते हैं। आप क्रेडिट मैनेज कर लेते हैं तो शोएब मलिक के साथ भी जा सकते हैं। चलिए बॉलर्स की बात करते हैं तो हसन अली हमने पिक किया है, और दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे रुबेल हुसैन को पिक किया है जो कि मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं, और मेहदी हसन जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं इनको हमने पिक किया, और सोहाग गाजी जो कि पिछले मैच में आए थे और अच्छा इन्होंने एक विकेट इन्होंने लिया था तो इनको हमने रखा है। आपके पास यहाँ पे मोहम्मद नजामुल इस्लाम का ऑप्शन बचता है, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बचे रहेंगे वो होंगे मोहम्मद सैफुद्दीन को पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, और दोस्तों लासिथ मलिंगा ऑप्शन है इनको आप ले सकते हैं, और अल-अमीन हुसैन को भी जब पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था तो इनको भी आप ना लें। मशरफे मुर्तज़ा हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन हो तो आप ज़रूर जो है इनको भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए ये टीम बनती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे कैप्टन रहेंगे रवि बोपारा, और हमारे वाइस कैप्टन जो है तमीम इकबाल रहेंगे, जो कि दोस्तों हमने यहाँ पे कंसिस्टेंट प्लेयर और लोकल प्लेयर को हमने यहाँ पे भरोसा किया है वाइस कैप्टन। आप अगर चाहते हैं तो क्रिस गेल के साथ जा सकते हैं या मोहम्मद मिथुन के साथ भी जा सकते हैं, तो ये जो है ऑप्शन आपके पास अच्छे होंगे। आप अगर जाना चाहते हैं तो इनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन क्रिस गेल दोस्तों ये तुक्का बैट्समैन है तो कभी कभी इनके लग जाते हैं या तो ये बहुत ही ख़राब इनके पॉइंट्स बनते हैं। तो दोस्तों आप जो है सेफ़ जाना चाहते हैं तमीम इकबाल वाइस कैप्टन अच्छे रहेंगे, या तो आप ड्वेन ब्रावो के साथ भी जो है वाइस कैप्टन जा सकते हैं। और दोस्तों बॉलर्स में बात की जाए तो हसन अली को आप दे सकते हैं, या तो रुबेल हुसैन या मेहदी हसन को आप जो है वाइस कैप्टन या कैप्टन दे सकते हैं ग्रैंड लीग्स में। तो टीम हमारी कंप्लीट है, तो आप इसका प्रीव्यू एक बार देख लीजिए। आप यहां पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत आगे आने वाले लास्ट मिनट के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां से आप ज़रूर जो है हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।